एरीज मेष राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। आपके आने वाले जो 6 मंथ्स हैं उसमें आपके लिए यूनिवर्स आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, किन चीज़ों से आपको सावधानी रखनी है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, और हम देखेंगे आपके चैलेंजेस क्या हैं और आपके लिए गाइडेंस क्या है। ठीक है, अपने प्रभु को याद कर लीजिए, उन्हें इन्वोक कर लीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग एरीज मेष राशि। क्या एक्सपेक्ट, सबसे पहले हम मूनोलॉजी से देखते हैं आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इन 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में 6 मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स में क्या एक्सपेक्ट? ओके, ठीक हो गया। एरीज मेष राशि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, क्या एक्सपेक्ट करें वो आने वाले 6 मंथ्स के लिए? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू मून गॉडेस, थैंक यू। ओके, नथिंग इज येट इन स्टोन। या वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। वन मोर कार्ड, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? एरीज मेष राशि नेक्स्ट 6 मंथ, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। या देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आए हैं, और अगर आप लोग अपने अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए, जिन्हें भी आप प्यार करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके बच्चे, आपके स्पाउस या जो भी हैं, अगर आप उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अगर टेंशन में थे, तो यहाँ आपको जो यूनिवर्स है बता रहे हैं यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ठीक है, कुछ भी इश्यूज चल रहा था, और ये फ्रेंड्स याद रखिए, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप ये देखेंगे, उससे आगे के जो 6 मंथ्स हैं उनके लिए ये रीडिंग जो है अप्लाई होगी। और यस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हों सिर्फ वही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ठीक है, एरीज में बहुत सारे लोग आते हैं इस समय, जो वीडियोस देख रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। और यस, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ। अक्सर आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि हम किस आपकी रीडिंग किस तरह से देखें। तो अगर आपको आपका सन साइन जो है वो एरीज है, तो आप मेरी रीडिंग देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको अपना सन साइन नहीं पता है, तो जिस भी राशि को अब तक आप फॉलो करते आए हैं, देखते आए हैं, उसी राशि के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो एरीज आपके लिए 2 कार्ड्स निकले हैं, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शंस। अगर आपकी लाइफ में, या मैं कहूँगी जो भी सिचुएशन है या आएगी या चल रही है, तो यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं, या यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। ठीक है, एक दो बेसिकली ये बात कर रहा है, मैं बोलूँगी लाइफ चक्र जो होता है हमारा, समझ रहे हैं, जीवन चक्र जिसे कहते हैं, लाइफ साइकिल जिसे बोलते हैं, चीज़ें बदलती हैं। सुबह के बाद रात आती है, रात के बाद फिर सुबह आती है, अच्छे दिनों के बाद बुरे दिन भी आते हैं, बुरे दिनों के बाद फिर से अच्छे दिन आते हैं। तो कोई भी चीज़ यहाँ पे फिक्स नहीं है। चेंज ऑलवेज लाइफ का एक ज़िंदगी की एक सच्चाई है, चेंज। ठीक है, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। तो अगर आपके जीवन में कुछ बुरा दौर चल रहा है, या कुछ सिचुएशन, बैड सिचुएशंस चल रही हैं, तो डोंट वरी, यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि ये एक समय का तूफ़ान है, वो थम जाएगा, इससे घबराना नहीं है, इससे जो है मजबूती के साथ सामना करना है और आगे बढ़ना है, और हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर बुरा समय आ जाए
तो उसमें घबरा करके हमें बुरी चीज़ें नहीं सोचनी है, ताकि उस बुरे वक्त के साथ साथ हम और बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में। समझ रहे हैं मेरी बात? उस वक्त में हमें हिम्मत रखनी है, पॉजिटिव रहना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। और इसमें इसके साथ ही आपके लिए ये भी मैसेज है कुछ लोगों के लिए, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर कुछ भी करने का आपने सोचा था या जो भी चीज़ें आपने सोची थी अगर अभी तक आपके दिमाग में चल रही थी, तो यहाँ पे ये वक्त है आपका, ये 6 मंथ्स जो आपके हैं, ये वक्त है एक्शन लेने का। अपने उन थॉट्स को एक्शन में लाइए, अपने उन आइडियाज़ को एक्शन में लाइए। जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, उन्हें एक्शन में लाइए, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं, ठीक है। ये आप चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन कभी परिस्थितियाँ सेम नहीं रहती हैं। और जो भी चीज़ें आपने सोची हैं, एक्शन लीजिए, उसे मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं, अगर किसी चीज़ की कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, खासकर यहाँ मुझे दिख रहा है कि बहुत से एरीज जो है मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स अपना रहे होंगे, ठीक है। किसी भी तरीके से किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट करना, करियर को मैनिफेस्ट करना, न्यू जॉब को मैनिफेस्ट करना। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, अगर बैकग्राउंड से कोई भी नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उसके लिए एक्शन लेना शुरू कीजिए अपनी तरफ से। बैठे बैठे अभी बैठने का काम आपका ख़त्म हो गया है, ठीक है। बैठ करके सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन करना ओके नहीं है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं अब उसके लिए स्टेप लो, समझ रहे हो आप? उसके लिए स्टेप लेना है, एक्शन में लाना है उसको। अगर जॉब के लिए मैनिफेस्टेशन करी है कि मुझे जॉब मिल जाए, मेरी ड्रीम जॉब मुझे मिल जाए, उसे ढूंढना शुरू करो, उसके लिए कुछ एक्शन लाओ अपनी लाइफ में प्रेजेंट। अगर कुछ बिजनेस के लिए अगर आपने सोचा है कि मैं ये बिजनेस ओपन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मनी जो है, मनी को सेव करना शुरू करो। समझ रहे हो? मतलब चीज़ों को एक्शन मोड में लाना शुरू करो, एक्शन लेना शुरू करना है। अब चीज़ें सोचनी नहीं है सिर्फ, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए आगे, आपके लिए इन 6 मंथ्स में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू मून गॉडेस, थैंक यू सो मच। एरीज मेष राशि वाले मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, उनके लिए 6 मंथ्स में, आने वाले 6 मंथ्स में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। Thank you. Yeah, Aries, आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, आपको हार्टेक बहुत है। आई मीन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे दिल में दर्द बहुत होना, क्योंकि मैं इसे शफल कर रही हूँ तो मेरे यहाँ पे हाथ में बहुत पेन, जैसे हल्का सा ना पेन हो रहा है। तो या कुछ है आपकी लाइफ में, और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं जैसे आपकी ब्लेसिंग्स के लिए कार्ड शफल कर रही थी, तो आपका हार्ट चक्र जो है वो हील होगा, या आपकी आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। कुछ है जो आपके हार्ट से रिलेटेड है, वो चीज़ें यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है वो हील होंगी। या ब्यूटिफुल, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, वेरी नाइस। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, देन एक्सप्लेन करेंगे। ओके, वाओ ब्यूटिफुल, ये फ्लिप हुआ है कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड भी, वेरी नाइस। भैया आपकी लाइफ में बैलेंस तो डेफिनेटली आ रहा है, चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से बैलेंस हो रही है, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। इवन आप बहुत लोगों की मदद भी कर सकते हैं आने वाले इन 6 मंथ्स में, और आपको मनी भी आप बहुत गेन करेंगे यहाँ दिखाई दे रहा है। आप अगर फाइनेंसिस वाइज अगर आपको बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़ रहे थे ना अभी तक, तो यहाँ पर वो बैलेंस नज़र आ रहा है। आप इतने कैपेबल बनेंगे कि किसी की मदद कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करना,
थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, के ब्लेसिंग्स आ रही हैं. ओके या मैंने आपको बोला ये बात. वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू. ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड, बहुत सारा कॉन्फिडेंस एंड द लवर्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है. या यहाँ पे बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके लिए. कोई आपकी लाइफ में, कोई कॉन्फिडेंट पर्सन में कहूँगी, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए. या कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है आप. अभी तक मनी के रिगार्डिंग कहें या किसी भी सिचुएशन, यहाँ मुझे ज़्यादा मनी के रिगार्डिंग लग रहा है क्योंकि हमारे पास फाइव ऑफ पेंटिकल्स की, आई होप मैंने आपको कार्ड्स दिखा दिए थे, शायद नहीं दिखाए. फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. जो कुछ भी आपने मनी को लेकर के झेला है अभी, या जितना भी दुख देखा है, जितना भी आपने ऐसी सिचुएशन झेली है, क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी है, तो यहाँ पे आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस में आ रही है. ठीक है, आपकी ये एनर्जी जो है वो बैलेंस हो रही है आपकी लाइफ में. ये यूनिवर्स या आप एंजल देख रहे हैं, टेम्परेंस का कार्ड, वो बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को आपके लिए. अगर इस बीच अगर आपको कुछ उतार चढ़ाव देखना पड़ रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले आपको ये मैसेज दिया कि पॉजिटिव रहिए, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है, क्योंकि उसके पीछे मकसद है कुछ जो चीज़ें चल रही हैं उतार चढ़ाव. जब हम अपनी लाइफ में, हमारी लाइफ में बैलेंस आना होता है, तो उसके पहले ट्रांसफॉर्मेशन होती है. और जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जब हमारी लाइफ का कोई भी एरिया हो या हमारी पूरी लाइफ हो ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, तो कहते हैं ना, वो एक पूरा पर्सन हिल जाता है, पूरी सिचुएशन हिल जाती है. समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो यहाँ पे चीज़ें हैं. तो मेक श्योर कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, आपको नेगेटिव नहीं रहना है, नेगेटिव सिचुएशन में भी नेगेटिव नहीं रहना है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा है, ये आपकी परीक्षा है. प्रभु जो है आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आप में कितना साहस है, कितने साहस के साथ और कितनी मैच्योरिटी के साथ और कितने बिलीफ सिस्टम के साथ आप इस टाइम को निकालते हैं, इस टेस्ट को कंप्लीट करते हैं. समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट आपका भी रहेगा, आपकी लाइफ में वो बैलेंस आ रहा है. और जैसे कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी है. अगर आपके यहाँ पे आपके मैरिड लाइफ कहें, या जिसके साथ भी अगर आप पार्टनरशिप में हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये भी बता रहे हैं, डोंट वरी, सब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी है. ये जो थोड़ा उतार चढ़ाव आ रहा है, ये सब ठीक करने के लिए है. समझ, चीज़ों को बैलेंस में लाने के लिए है. शायद अभी आपके पार्टनर के साथ, चाहे आप किसी के साथ पार्टनरशिप में, कोई करियर में हों, आप बिजनेस कर रहे हों, या आपके मैं कहूँगी आपके रिलेशनशिप में हों आप, ठीक है, किसी भी तरीके की ये पार्टनरशिप हो सकती है. अगर आपके थॉट्स उनसे मैच नहीं होते या उनके साथ कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है, तो यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं था. कहीं ना कहीं एक, दोनों में से किसी एक का पार्ट इस रिलेशनशिप में या इस सिचुएशन में ज़्यादा था और एक का कम था, तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक के लिए यहाँ पे बैलेंस किया जा रहा है चीज़ों को. ठीक है, ताकि जितनी भूमिका आपकी रही है इस पार्ट में, उतनी ही भूमिका उनकी भी हो. ठीक है, ताकि आपकी वो लाइफ और आपका वो जो पार्टनरशिप है वो ब्लॉसम हो सके. बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है. या और यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ, टेम्परेंस का कार्ड हीलिंग का कार्ड है. जो भी चीज़ें आपकी पास्ट में रही हैं, जो भी बैड चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें जो आपकी पास्ट में रही हैं, वो भी यहाँ पे हील हो रही हैं. अगर कुछ वुंड्स हैं आपके अंदर, कुछ जख्म हैं आपके अंदर पास्ट को लेकर के, तो वो भी यहाँ पे हील हो रहे हैं. किसी पर्सन को लेकर के, या किसी, मैं कहूँगी किसी ऐसे पर्सन को लेकर के, आप रिलेशनशिप को लेकर के कह सकते हैं, या कभी किसी से आपने किसी भी तरीके की मदद मांगी थी और उसने आपकी मदद नहीं करी, चाहे मनी वाइज हो, चाहे किसी ने आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी हेल्थ वाइज हो, क्योंकि ये हेल्थ का भी कार्ड है,
तो अगर आप किसी से नाराज थे या कुछ आपका उनके साथ इशू चल रहा था, वो चीज़ें पास्ट की यहाँ पे हील होती हुई नज़र आ रही हैं। और ये भी बताया जा रहा है अगर किसी को यहाँ पे हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वो भी एनर्जीज जो है यहाँ पे बैलेंस हो रही हैं। ठीक है, मेक श्योर कि आप पानी ज़्यादा पिए, ठीक है, पॉजिटिव रहें। यहाँ पे मैंने क्या बोला ना, ये जो भी सिचुएशन है, आपकी हेल्थ हो सकती है, आपका करियर हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, या आपकी लाइफ का कोई भी एरिया, किसी भी तरीके से आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिए। ठीक है, जो भी सिचुएशन है, उतार चढ़ाव हर जगह आते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको पहले ही ये मैसेज दे दिया है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। ठीक है, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, इसीलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। और उस चीज़ में अगर कुछ नेगेटिव होता है लाइफ में, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, उसे समझिए कि यूनिवर्स का ये टेस्ट है, मुझे इसमें पास होना है, वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि मैं इसमें कितना पॉजिटिव रहता हूँ या कितनी पॉजिटिव रहती हूँ, तभी मेरी तरफ पॉजिटिविटी आएगी, तभी मैं इस टेस्ट में क्लियर होऊंगा, पास होऊंगा, तभी मेरी लाइफ में वो खुशी आएंगी और वो बैलेंस आएगा। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे पॉजिटिव रहें। ठीक है, और बहुत सारा कॉन्फिडेंस तो आ ही रहा है आपके लिए यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई मैसेज हो सकता है कोई, यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है, या और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है आने वाले 6 मंथ्स में, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है मैसेज, कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो आपके लिए आ सकता है, आपकी मैरिज के रिगार्डिंग हो सकता है, आपके जॉब के रिगार्डिंग हो सकता है, किसी ना किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ है और उसको सुन करके आप बहुत अच्छा फील करने वाले हैं, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है। और बहुत ही स्पीड के साथ, जैसे कि वो आपकी लाइफ को जैसे चेंज कर देगा, आप में वो एक नई ऊर्जा आ जाएगी। मैं दोबारा से कह रही हूँ फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे एरीज साइन के लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ से लीजिएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। ठीक है, और आप फाइनेंशियली इतना आप गेन करने वाले हैं, क्योंकि ये जो सिचुएशन है 5 of Pentacles की, आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ लाइफ में देखा है, हर तरह से देखा है, बहुत उतार चढ़ाव देखा है अपनी लाइफ में, बहुत अकेलापन भी झेला है, बट डोंट वरी, यहाँ पे आपकी जो मैं कहूँगी कि कंडीशन है, बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत बैलेंस में आने वाले हैं, इवन आप इतने कैपेबल हो जाएंगी कि आप यहाँ पे लोगों की मदद करेंगे। और ये एक गुड डीड है, ये गुड डीड है कि देखिए, जब आपको ज़रूरत पड़ी तब आपकी किसी ने मदद नहीं करी। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, कोई राय प्रकट करनी हो, मनी वाइज हो, या मेंटली सपोर्ट किसी को देना हो, समझ रहे हैं आप, किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट देना हो, किसी ने आपको मदद नहीं करी, लेकिन जब आप कैपेबल हुए तो आप अपनी हिम्मत के अकॉर्डिंग वो मदद दे रहे हैं दूसरों को, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प भी आ रही है, गेन तो जो कुछ लोग करेंगे, उसके साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प आ रही है, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, वो आपकी मदद कर सकता है, या आपकी मदद कर सकता है, अगर आप कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं और किसी ने आपकी मदद नहीं करी, तो ये पर्सन जो है वो आपकी मदद करेंगे, या आपकी पर्सन मदद करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या चैलेंजेस रहेंगे एरीज मेष राशि वालों के लिए आने वाले 6 मंथ्स में, क्या चैलेंजेस हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, चैलेंजेस क्या हैं मेष राशि वालों के लिए। थैंक यू मून गॉडेस, थैंक यू सिस्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू चैलेंजेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सी मैं आपको पहले दिखा दूं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देन है हमारे पास
थैंक यू एंजल्स. क्या चैलेंजेस हैं 6 months में? पेज ऑफ कप. सी, देखिए ये आपके चैलेंजेस हैं एरीज. आप देखिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ मैं कहूँगी. या नाइन ऑफ स्पॉट्स, एंडिंग हो रही है आपके दुखों की. देख रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक, नाइन ऑफ स्पॉट्स की एनर्जी है. एंडिंग हो रही है आपके दुखों की, ठीक है. लेकिन 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 आपको कुछ चीज़ें हैं, कुछ सिचुएशन है, कुछ लोग हैं, उन्हें लेट गो यहाँ पे करने की ज़रूरत है. समझ रहे, कुछ ऐसे डिसीजंस अपनी लाइफ में, मैं कहूँगी कि बोल्ड डिसीजंस लेने की यहाँ पे ज़रूरत है. लेकिन यहाँ पे आप बहुत ओवर इमोशनल दिख रहे हैं मुझे, या कुछ चीज़ों को, या कुछ लोगों को, या उन्हीं चीज़ों को मैं कहूँगी जिन चीज़ों को आपने अपनी लाइफ से कट आउट करना है ना, उन चीज़ों को लेकर के, उन लोगों को लेकर के आप बहुत पॉजेसिव, मैं कहूँगी बहुत इमोशनल हो रहे हैं, उन्हें लेट गो नहीं कर पा रहे हैं. इमोशंस आपके बहुत हाई हो रहे हैं. तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत चैलेंज में रहने वाली हैं आने वाले 6 months में. समझ रहे हैं, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करके किस कोई डिसीजन लेना, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है किसी भी तरीके से, ठीक है. तो यहाँ पे आपको इस तरीके से प्रिपेयर होना है कि आपको किसी भी तरीके से कोई भी डिसीजन लेना पड़ सकता है अपनी आने वाले 6 months में, ठीक है. तो यहाँ पे मेक श्योर कि आपकी इमोशंस जो हैं वो डिसीजन लेने में आड़े ना आए, और मेक श्योर कि आप वो एक करेक्ट डिसीजन अपनी लाइफ में वो ले पाएं. समझ रहे हैं, एक वो बोल्ड डिसीजन. ये नहीं कि कहीं इमोशंस आपके आड़े आ जाएं और आप उन डिसीजंस को ले ही नहीं पाएं या उनसे मुंह फेर लें. समझ रहे हैं मेरी बात, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है. यहाँ पे आपकी एंजाइटी, जिस भी चीज़ को लेकर के आप टेंशन में हैं, करियर को लेकर के, मैरिज में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मनी को लेकर के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चीज़ें सब खत्म हो रही हैं. लेकिन यहाँ साथ ही साथ कुछ डिसीजंस आपको लेने हैं, बहुत ही बड़े बड़े ये डिसीजंस हैं. मैं यहाँ पे कोई शुगर कोट नहीं करूँगी, ठीक है. तो क्योंकि यहाँ पे मुझे सच प्रकट करना है, ठीक है. तो अब वो आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग है, अब वो आपको ज़्यादा पता होगा, या जो भी चैलेंजेस आपके सामने जिस वक्त पे आएंगे वो तब आपको पता चलेगा, है ना. तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, ये बोल्ड डिसीजन जो आपको लेना है ना, वो आपके लिए चैलेंज है. इमोशंस आड़े आ सकते हैं आपके. आपको मैच्योर होना है बेसिकली यहाँ पे. आप मैच्योर नहीं हो अभी, लेकिन उन चीज़ों के लिए आपको मैच्योर होना है, प्रिपेयर होना है. और मैं यही कहूँगी कि जब तक हमें इन एनर्जीज के बारे में नहीं पता होता, तब तक हम उन चीज़ों से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं. समझ रहे हैं मेरी बात, हमें उनके बारे में पता ही नहीं है, हमारी लाइफ में वो चैलेंजेस आए हम फेस ही नहीं कर पाएंगे. लेकिन जब हमें पहले से ही हमारे प्रभु ने, हमारे यूनिवर्स ने बता दिया है कि बेटा तुम्हारे लिए ये चैलेंज है, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है. हमें पता है हमें कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है. चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है. थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स. एरीज मेष राशि आने वाले 6 months के लिए, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं एरीज राशि वाले, उनके लिए गाइडेंस क्या है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. गाइडेंस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप आने वाले 6 months के लिए, जो भी हैं चैलेंजेस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, जो भी चीज़ें उनको क्या गाइड करेंगे आप आने वाले 6 months के लिए. ओके, इंटीग्रेशन. सी, बैलेंस आपके लिए आया ही यही है, इंटीग्रेशन. देख रहे हैं आप, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है. पहले हम सारे निकाल लेते हैं. डियर, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है एरीज, यहाँ पे आपको अपनी मस्कुलिन साइड और फेमिनिन साइड को बैलेंस करने की ज़रूरत है, डेफिनेटली. क्योंकि ये जो उतार चढ़ाव में कहूँ लाइफ में आना, डिसीजंस लेना, क्योंकि जब लाइफ में बैलेंस आने वाला होता है ना, उससे पहले हलचल ज़रूर मचती है थोड़ी बहुत, ठीक है. क्योंकि उसको ठीक किया जा रहा है, मैं कहूँगी रिस्टोर किया जा रहा है चीज़ों को. समझ रहे हैं, अब अगर हमारा हम किसी घर में हैं जिसकी हालत बहुत बुरी है, खंडर घर है, अब उसी पर ही तो हम फाउंडेशन खड़ी नहीं कर देंगे ना, पहले तो हम उसे अच्छे से तोड़ेंगे,
देन हम फाउंडेशन खड़ी करेंगे ताकि वो फाउंडेशन स्ट्रांग बन सके. तो यही है आपकी फाउंडेशन को यहाँ पे स्ट्रांग करना है. बैलेंस आना है तभी बैलेंस आएगा ना आपकी लाइफ में, आपके लाइफ के हर एरिया में. तो मेक श्योर कि सबसे पहले तो आपकी एनर्जीज बैलेंस हो ताकि आप उस तरह की फाउंडेशन रख सकें. अपने आप को बैलेंस कीजिए पहले, यहाँ पे अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, अपने यिन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस कीजिए, मस्कुलिन एंड फेमिनिन. जैसे हम कहते हैं फायर एनर्जी एंड वाटर एनर्जी, ठीक है. द रिबेल, बिल्कुल ये तो है ही है एनर्जी. द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ द रिबेल, आई एम सॉरी मैं नहीं दिखा रही आपको, आई एम सॉरी द रिबेल. ओके थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मून गॉडेस, थैंक यू सिस्टर्स. क्या गाइडेंस है, इनर वॉइस, ग्रेट, वेरी नाइस. थैंक यू, लास्ट कार्ड प्लीज, थैंक यू, लास्ट वन प्लीज, गाइडेंस, थैंक यू. हार्मनी, या देखिए अपने मन को यहाँ पे आपको सी मैं अभी बताती हूँ. सबसे पहले तो आपको अपने मन को शांत करने की यहाँ पे ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन से जुड़ने की आपको ज़रूरत है, ठीक है. क्योंकि ये प्रोसेस ऐसा है, जब तक आप अपने इंट्यूशन से नहीं जुड़ेंगे आपको चीज़ों के बारे में पता कैसे चलेगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको करना क्या है, बेसिकली आपको डिसीजन क्या लेना है. समझ रहे हैं मेरी बात, अपने आप को कंट्रोल कैसे करना, अपनी इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कैसे करना है. और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है प्लीज़ पास्ट को लेकर के मत चलो, छोड़ दो. मैंने बोला ना ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, कुछ डिसीजंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको लेनी पड़ेंगी, ठीक है. तो उन चीज़ों को आपको थ्रू करना है, फेंक देना है, समझे. इंटीग्रेशन यही बोला जा रहा है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, ठीक है. द रिबेल वो एक अंदर से फायर लाओ अपने में कि जो चीज़ें जा रही हैं या जो बंधनों में आप बंधे हुए हो, जिन्हें चाह करके भी लेट गो नहीं कर पा रहे हो, खासकर पास्ट ऐसा कुछ अटका हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ बंधन है, उन्हें तोड़ करके बाहर निकलो. रिबेल की एनर्जी में आना, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, मैं कहूँगी जोश तो नहीं बोलते पर फिर भी मैं जोश बोल देती हूँ, अपने में वो जोश लाना, यस मुझे ये करना है, मुझे करना है ये, मुझे अब और इन बंधनों में नहीं बंधना, समझ रहे हो, मुझे अब इस डिसेप्टिव एनर्जी में नहीं रहना, मुझे इन जंजीरों को तोड़ करके बाहर निकलना है. तो बेसिकली ये वही एनर्जी है. और इसके साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है अपनी इनर वॉइस से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए. यहाँ बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो इन दोनों कार्ड्स में आपको डॉल्फिन्स दिख रही होंगी, ये दोनों और यहाँ पे ये देख रहे हैं 4 डॉल्फिन्स हैं, देख रहे हैं कितनी खुशियाँ आपकी लाइफ में, कितनी हार्मनी, वो सुख शांति जो आप चाहते हैं, पीस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं आपकी लाइफ में, वो सब आपको मिलेगा. एक होता है ना, मैं हमेशा ये कहूँगी कि अंदर से एक खुशी आना या अंदर से आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलना कि यस अब मेरी लाइफ में सब ठीक है ना. तो ये वो एनर्जी है, उसके लिए आपको अपनी इनर वॉइस से जुड़ना होगा. अपनी इनर वॉइस से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, आपकी इनर वॉइस आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देगी, आपको किन चीज़ों को लेट गो करना है, कैसे लेट गो करना है, मूव कैसे करना है. समझ रहे हैं मेरी बात, आपकी एनर्जीज बैलेंस में आएंगी, खासकर आपकी यिन एंड यांग एनर्जी, जो मैं कह रही हूँ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी जो है आपकी, वो बैलेंस में आएगी. कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, या मैं कहूँगी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना किसी ऐसी सिचुएशन में कि हम गलत डिसीजन ले देते हैं, या कभी ऐसा डिसीजन लेना हो तो हम इतने ओवर इमोशनल हो जाते हैं. समझ रहे हैं, मून एनर्जी जिसे कहते हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं कि हम गलत ही डिसीजन ले लेते हैं, समझ रहे हैं, जो हमें नहीं लेना होता, खासकर इस तरीके के बोल्ड डिसीजन हम लोग नहीं ले पाते हैं. तो मेक श्योर कि यहाँ आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस है. और अपने में वो एक रिबेल की एनर्जी लाइए कि यस मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, मैं अभी तक इन जंजीरों में बंधा हुआ था, इन बंधनों में बंधा हुआ था, मुझे यहाँ से निकलना है, मैं सब कर लूँगा, मैं ये भी कर सकता हूँ.
समझ रहे हैं, और जुड़िए अपनी इनर वॉइस से। आपकी इनर वॉइस, आपकी परमात्मा की वॉइस, आपके प्रभु की वॉइस आपको गाइड करेगी। आपके अंदर वो शांति, असीम शांति, असीम शांति आपके अंदर, देख रहे हैं, ये अंदर है, अंदर शांति है तभी बाहर शांति आएगी आपके, समझ रहे हैं। आपके सराउंडिंग में शांति तभी आएगी जब आपके अंदर पीस होगा। तो मेक श्योर कि आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये थी एरीज आपकी रीडिंग आने वाले 6 मंथ्स की। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। अगर आपको इससे कोई भी गाइडेंस मिली है, कोई भी मैसेज मिला है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे मैसेज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।